हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का जूहीज ब्यूटी वर्ल्ड में। आज मैं लेके आई हूँ ब्यूटिशियन क्लास की सेकेंड वीडियो, जिसमें मैं आईब्रो से रिलेटेड तीन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो पॉइंट नंबर वन हमारा है कि आईब्रो की शेप कितने प्रकार की होती है, पॉइंट नंबर टू कि हम आईब्रो को शेप कैसे देंगे, और पॉइंट नंबर थ्री कि किस टाइप के फेस पे किस टाइप के आईब्रो सूट करते हैं। तो इन तीनों टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में आईब्रो बनाने के लिए कैसे धागा पकड़ते हैं, धागा कैसे चलाते हैं, इस पर बात किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि आईब्रो की शेप कितने प्रकार की होती है। वैसे तो आईब्रो की बहुत सारी शेप होती हैं, बट मोस्टली हमारे यहाँ जो यूज़ होते हैं मैक्सिमम पाँच या छः प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको पाँच टाइप के आईब्रो की शेप बताने वाली हूँ। नंबर वन, राउंड शेप, जिसे हम कर्व शेप कहते हैं। नंबर टू, हाई एंगल, जिसे स्टीप आर्च भी कहा जाता है। नंबर थ्री, सॉफ्ट एंगल, जिसे आर्च शेप भी कहा जाता है। नंबर फोर, स्ट्रेट एंगल, एंड नंबर फाइव, ऐसे। ये पांचों ऐसे आईब्रो की शेप है जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग इसी शेप के आईब्रोज बनवाते हैं। और अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर टू कि आईब्रो की शेप हम कैसे देंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राउंड या कर्व शेप के आईब्रो। जब भी आप कर्व शेप के आईब्रो बनाएं तो सबसे पहले ध्यान दें कि हमें नीचे से आईब्रोज क्लीन करना है। जी हाँ, राउंड शेप के आईब्रोज बनाने के लिए हमेशा नीचे के आईब्रो को क्लीन रखें, इसके बाद ही आप ऊपर के आईब्रोज को क्लीन करें। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर टू, हार्ड एंगल या स्टीप आर्च के आईब्रोज। जब भी आप हार्ड एंगल या स्टीप आर्च के आईब्रोज बनाएं तो ध्यान रखिए आपको यहाँ से आपको आईब्रोज क्लीन करना है। मतलब मैं बोल सकती हूँ सेंटर से 90 डिग्री के यहाँ से आपको आईब्रोज क्लीन करना है। सबसे पहले वहाँ से क्लीन करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बाकी के आईब्रोज क्लीन नॉर्मल क्लीन करना है। वहाँ से हेयर रिमूव करना है, बाकी सब हर जगह पे थोड़े थोड़े क्लीन करना है। और ऐसे ही आपको ऊपर की शेप देना है। जहाँ पर नीचे हमें क्लीन करना है जस्ट वहाँ ऊपर हमें वहाँ से बिल्कुल आईब्रोज नहीं निकालना है, वहाँ हमें इसे सिंपल छोड़ देना है, बस क्लीन करना है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री, सॉफ्ट एंगल या स्टीप आर्च। सॉफ्ट एंगल और हार्ड एंगल में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, बस यही कि हार्ड एंगल में हमारे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नुकीला होता है, और सॉफ्ट एंगल में हमारे यहाँ पे राउंड शेप के जैसा ही होता है, बस वो उठा रहता है। राउंड से पूरा राउंड होता है, कर्व एकदम रहता है, वो एकदम कर्व नहीं रहता है, वो उठा होता है, लेकिन हार्ड एंगल की तरह उसमें कोना नहीं होता। तो ये वाला भी आईब्रो बनाने के लिए हमें नीचे से ही क्लीन करना है। तो सबसे पहले नीचे से क्लीन कर ले, फिर ऊपर से आपको राउंड शेप की तरह आईब्रो बनाना है। ध्यान रखना कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से भी यहाँ से आईब्रोज क्लीन करना है। मैं आपको हार्ड एंगल और सॉफ्ट एंगल में ये डिफरेंसेस बता दे रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि हार्ड एंगल में ऊपर के कोने को बिल्कुल नहीं निकालना है, नुकीला बनाना है, और सॉफ्ट एंगल में वहाँ से कोने को क्लीन करना है, उसे हमें नुकीला नहीं कर्व शेप में करना है। तो अब हम बात करते हैं नंबर फोर, यानी स्ट्रेट आईब्रो। स्ट्रेट आईब्रो बनाने के लिए आपको ना नीचे से ज़्यादा आईब्रोज निकालना चाहिए ना ऊपर से, आपको सिंपली नीचे से एकदम सीधे थोड़े से क्लीन करना है, और ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा हेयर हैं बस वही क्लीन करना है। आपको कहीं से भी हेयर रिमूव नहीं करना है, बस एक्स्ट्रा हेयर को निकालना है। अब हम बात करते हैं नंबर फाइव, यानी एस शेप आईब्रोज। एस शेप आईब्रोज बनाने के लिए आपको सबसे पहले लास्ट से आईब्रोज बनाना चाहिए। लास्ट से आपको यहाँ से कोने से आईब्रोज को क्लीन करना है, और उसके हिसाब से आपको इसे लेफ्ट साइड से नीचे के यहाँ पे आपको नीचे पतला करना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सामने के जो हेयर हैं यहाँ से, यहाँ के आपको कोई भी हेयर रिमूव करना ही नहीं है, बस वहाँ आपको थोड़ा सा क्लीन करना है। और सिंपली अगर ऊपर की बात करूँ तो ऊपर आपको यहाँ के जहाँ से नीचे आपको क्लीन नहीं करना है, वहाँ के ऊपर से आपको क्लीन करना है, और यहाँ से इसके ऊपर जो यहाँ पे है, यहाँ से हमें कोई हेयर नहीं निकालना है, बस उसे थोड़ा सा क्लीन करना है। हमें यहाँ से हेयर रिमूव करना है, और यहाँ पे आके थोड़ा सा बस क्लीन करना है, यहाँ से हमें हेयर रिमूव करना ही नहीं है। और नीचे क्या करना है, हमें यहाँ से हेयर रिमूव करना ही नहीं है, हमें यहाँ से सिंपल बस हेयर को क्लीन करना है, हमें हेयर रिमूव यहाँ से करना है। तो इस बात का आप खासा ध्यान दें। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर थ्री कि कौन से चेहरे पे किस शेप के आईब्रोज सूट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड शेप।
राउंड शेप एग्जांपल में मैं बताती हूँ, जैसे आप विद्या बालन को ले लीजिए, अगर राउंड शेप आपका फेस है या फिर जिसका आईब्रो आप बना रहे हो उनका फेस राउंड शेप में है, तो उनके फेस पे हमेशा आप सॉफ्ट एंगल या फिर हार्ड एंगल की ही आईब्रोज की शेप दें, क्योंकि उनके चेहरे पे सॉफ्ट एंगल या हार्ड एंगल ही आईब्रोज सूट करेगी। और ध्यान ये रखना है कि कभी भी राउंड शेप के चेहरे पे आप राउंड शेप की आईब्रो बिल्कुल ना बनाएं। और दूसरा हम बात करते हैं लॉन्ग शेप, यानी जिसका चेहरा लंबा हो, एग्जाम्पल जैसे सोनम कपूर, अनन्या पांडे। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे सोनम कपूर, अनन्या पांडे का पिक दिखिए आप। जब भी आप लॉन्ग फेस की आईब्रो बनाएं तो आपको या तो स्ट्रेट आईब्रो बनाना है या फिर थोड़ा सा कर्व, राउंड शेप में ही बस थोड़ा सा कर्व करके आपको आईब्रोज बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आईब्रोज में सोनम कपूर के आईब्रोज देखिए थोड़ा सा कर्व है, और अनन्या पांडे का आईब्रो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस हिसाब से आपको लॉन्ग फेस पे आईब्रोज बनाना है। अब हम बात करते हैं डायमंड शेप। डायमंड शेप की एग्जाम्पल में दीपिका पादुकोण को ले लेते हैं। तो जब भी आप डायमंड शेप की फेस का आईब्रो बनाएं, आपको हमेशा राउंड शेप की आईब्रो बनानी चाहिए या फिर आपको हल्का कर्व करना चाहिए। अगर पूरा राउंड नहीं करें तो हल्का कर्व, पर कोशिश करिए राउंड शेप की आईब्रोज बनाएं। और हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस के लिए आप करीना कपूर को ले सकते हैं। स्क्वायर फेस पर हमेशा सॉफ्ट एंगल या फिर राउंड कर्व ही सुंदर लगते हैं। तो अगर आप स्क्वायर फेस के आईब्रो बनाएं तो या तो राउंड शेप बनाएं या तो फिर सॉफ्ट एंगल। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ ब्यूटीशियन क्लास की सीरीज़ फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं।